सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है द लेडी ऑफ हेवन, जो कि अमेरिका ने एक मूवी बनाई है। द लेडी ऑफ हेवन मूवी अमेरिका ने मुसलमानों में आपस में झगड़े लगाने के लिए बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ट्रेलर बताता हूँ। नाज़रीन, पहले आप ट्रेलर देख लीजिए, फिर मैं अमेरिका की गई साजिश का पूरा खुलासा करके मैं आपके पास बताऊँगा। The world is in shock as a group of terrorists has taken control of large areas of Syria and Iraq. The world can be a cruel and dangerous place. Remember, even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. My time is near. And afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials. With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth. You're gonna let a woman tell us what to do? We will burn her out! God will judge all of you. This world has become a breeding ground of violence. Shadow will be cast across many generations to come. It's said some people are so full of faith, they give strength to everyone around them. The greatest thing in this life and the hereafter is the spreading of peace in the world. Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost. Her legacy lives on. से आप लोग ने मूवी देखी ली होंगी कि इस मूवी का जो राइटर है उसका नाम है यासर अल हबीबी, द लेडी ऑफ हेवन का राइटर। ये शिया आलिम के रूप में एक बहरूपिया है जो कि शिया और सुन्नी को आपस में लड़वा कर पैसे लेता है और शिया और सुन्नी में इख्तलाफात पैदा करता है। द लेडी ऑफ हेवन के सपोर्ट के अंदर अमार नक्शवानी है जो कि एक शिया आलिम के रूप में MI6 का एजेंट है जो कि अमेरिका से पैसे लेकर शिया और सुन्नी में इख्तलाफात करता है। इस शख्स के हाथ में आप देख सकते हैं कि टैटू भी बना हुआ है, जो कि टैटू होता है तो वजू नहीं होता, यानी ये शख्स नजीस और नापाक है। यानी इस शख्स को मुसलमान मानना भी जुर्म है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये शख्स काफिर कहलाने के ही लायक है जो कि शिया और सुन्नी में इख्तलाफात करता है। ये शख्स कभी मुसलमान नहीं हो सकता। आयतुल्ला मेहराब यजदी ने भी कहा है कि लेडी ऑफ हेवन को ना देखा जाए और इसे लाइक वगैरह भी ना किया जाए, ना शेयर किया जाए, क्योंकि इससे दुश्मन को पैसा मिलेगा अगर आप देखेंगे और दुश्मन और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और इसके अलावा आयतुल्ला मकारिम शिराजी साहब ने भी कहा है कि द लेडी ऑफ हेवन को ना देखें, इसे लाइक शेयर वगैरह भी ना करें और जिससे दुश्मन को ताकत मिले ऐसा काम आप बिल्कुल ना करें। इसके अलावा रहबर हाल खुमैनी साहब ने भी कहा है कि द लेडी ऑफ हेवन को ना देखें, जिससे अगर आप देखेंगे तो दुश्मन को ताकत मिलेंगे और दुश्मन और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहेगा। इसके अलावा आयतुल्ला सिस्तानी ने भी कहा कि द लेडी ऑफ हेवन को ना देखें, वो चीज़ें ना देखें जिससे इस्लाम में मुखालिफत हुई और दुश्मन को मदद मिले, इसलिए द लेडी ऑफ हेवन को देखना जायज़ करार नहीं दिया गया है। इन सारे आलिमी दीन के अलावा भी कई आलिमी दीन ने भी द लेडी ऑफ हेवन की मुखालिफत की है कि इसे देखना जायज़ नहीं है। जनाब मुफ्ती इसहाक साहब फैसलाबाद के बहुत बड़े अहले हदीस के आलम दीन अपने
मजमे में खिताब कर रहे हैं, अहले सुन्नत के मजमे में खिताब करते हुए कहने लगे, सुनो ये सुन्नी शिया का झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है, सुन्नी शिया में कोई झगड़ा नहीं है, इख्तलाफ है, इख्तलाफ और होता है झगड़ा और होता है, जरूरी नहीं है कि किसी में इख्तलाफ हो तो वो झगड़ा भी करे, सुन्नी सुन्नी में इख्तलाफ है, शिया शिया में इख्तलाफ है, इख्तलाफ तो जिंदगी की अलामत है, इख्तलाफ तो हयात की निशानी है, इख्तलाफ तो तहर्रुक की अलामत है, वो लोग खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं जहां इख्तलाफ राय ना पाया जाता हो, इख्तलाफ ना हो तो यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएं, इख्तलाफ ना हो तो किताबें लिखना बंद हो जाएं, तहकीक का दरवाजा खुलता ही इख्तलाफ की बुनियाद पर है, ये कैसे मुमकिन है कि इख्तलाफ, हमें अल्लाह ने बनाया ही मुख्तलिफ है, हमारे जहनों को मुख्तलिफ बनाया है, हमारी सोच को मुख्तलिफ बनाया है। फरमाने लगे सुन्नीशिया का ये झगड़ा ये यहूदी का फैलाया हुआ है, सुन्नीशिया में झगड़ा नहीं है, इख्तलाफ है। तो एक लंबा पर्चा उनके पास आ गया जिसमें 15-20 सवालात लिखे हुए थे, मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं सुन्नीशिया का झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है, शियों का तो कलमा अलहदा है, शियों की नमाज अलहदा है, शियों का रोजा 8 मिनट बाद खुलता है, शिया नमाज मिला के पढ़ते हैं, शिया वो सजदा का रख कर सजदा करते हैं, शिया ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, एक तवील फहरिस्त। हजरत मुफ्ती इसहाक साहब को अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने उस पर्चे को ऐसे बुलंद करके कहा, ये सवालात बता रहे हैं कि तुम मुतालिया नहीं करते हो, अगर तुमने मुतालिया किया होता तो तुम्हें तुम्हारी किताबों में इन सवालात के जवाब मौजूद हैं। और एक एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इस मरहले पे जब आए ना कि जो मेरे इस वक्त मजमून में बात है, कहने लगे शिया क्या बोलते हैं, शिया अली उन वलीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले बोलते हैं, शियों का कलमा अलहदा है, एतराज यह कि शियों का कलमा अलहदा है, तो शिया क्या अली उन वलीउल्लाह बोलते हैं और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं, तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो वो भी कहते हैं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो वो भी कहते हैं, उसके बाद वो अली उन वलीउल्लाह कहते हैं, तो मुझे हां ना में जवाब दो। तवज्जो चाहूंगा आपसे, मुफ्ती साहब का जुमला नकल कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर मौजूद है, मेरी उनसे प्यार था मोहब्बत थी, मैं उनसे मिलने भी जाता था और एक खास उनकी कोशिशों को इकरार हमें करना चाहिए जो उन्होंने हमारे हवाले से किए हैं। मुफ्ती साहब कहने लगे, मुझे हां ना में बताओ, शिया जो कहते हैं अली उन वलीउल्लाह, क्या अली अल्लाह के वली नहीं है? भाई तवज्जो चाहूंगा आप हजरात से। तो सारे मजमे ने कहा हां अली अल्लाह के वली है, कहने लगे बस फर्क इतना है तुम मानते और बोलते नहीं हो, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद।